हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के ड्राइंग ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये शेप्स के बारे में जानेंगे कि शेप्स में क्या कौन कौन सी शेपें होती हैं। तो ये इसके लिए ये शेप को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे गए। न्यू स्लाइड पे जाने के बाद ब्लैंक यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो ये स्लाइड आने के बाद हम क्या करेंगे, ये शेप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास शेप यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड शेप्स जो अभी हमने यूज़ की हुई है वो शेपें यहाँ पे होंगी। इसके नीचे लाइंस, लाइंस की शेपें हैं यहाँ पे। इसके नीचे रिक्टेंगल्स, ये रिक्टेंगल्स की शेपें हैं। इसके बाद बेसिक शेप्स यहाँ पे आएंगी, ये जितनी भी हैं ये हमारे बेसिक शेप्स हैं। इसके नीचे ब्लॉक एरोस, ये जितनी भी शेपें हैं ये ब्लॉक एरोस की हैं। इसके नीचे इक्वेशन शेप्स, इसके नीचे फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बनाने की शेपें हैं ये। इसके नीचे स्टार एंड बैनर्स, ये शेपें जो हैं स्टार एंड बैनर्स की हैं। इसके बाद कालोर्स, ये शेपें कालोर्स की हैं। इसके नीचे एक्शन बटन्स। तो अब हम इन शेप्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये लाइंस शेपें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइंस में आने के बाद ये लाइंस की शेपें हैं, तो इन शेप्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे ये सबसे पहले लाइन शेप है, उसके बाद लाइन एरो है, उसके बाद लाइन एरो डबल, जैसे ये देखो डबल साइड है ये। इसके बाद है एल्बो, उसके बाद है डबल एरो एल्बो, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे आ गया कर्व्ड, उसके बाद ये आगे आगे ये कर्व्ड डबल एरो ये दिया गया है। तो इस प्रकार ये सभी लाइन शेप्स हैं। यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक किया, लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लाइन यहाँ पे बन के आ जाएगी। बनने के बाद इस लाइन को हम किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको यहाँ से, ये देखो ये लाइन को हम जहाँ भी छोड़ेंगे उस हिसाब से ये लाइन बन जाएगी। यहाँ पे छोड़ा इसको, ऐसी बन जाएगी। फिर इसको ऐसे ले गए, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। या इस साइड से इसको घुमाया तो इस साइड से घूमेगी। यहाँ पे छोड़ा, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार इस लाइन को हम अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। इसके बाद अगले यहाँ पे शेप है, यह है एरो की। तो यहाँ पे एरो शेप, ये यहाँ पे जैसे ये एल्बो, ये शेप यहाँ पे ली और ये एल्बो यहाँ पे बनाया। बनाने के बाद यहाँ पे येलो डॉट आ जाएगा। येलो डॉट की सहायता से हम इस जो ये एल्बो है इस शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखो, एक तो यहाँ पे कनेक्टर पे यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे, या यहाँ पे ये जो येलो डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो जैसे भी हमने इसको बनाना है उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो इसको जैसे ऐसे रखना है तो ऐसे रख के इसको छोड़ दिया, तो इस प्रकार ये शेप ले लेगी। इसके बाद अगली शेप जैसे ये है डबल एरो, या अगला अगली शेप लेनी है ये कर्व्ड एरो, ये उठाई यहाँ से और इसको यहाँ पे बना दिए, ये आ जाएगा। अब ये येलो डॉट यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये जैसे भी चेंज करना है वैसे इस हिसाब से इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया, ये शेप ऐसे चेंज हो जाएगी।
तो इस प्रकार हम ये लाइन शेप का यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे रिक्टेंगल्स किए हैं, रिक्टेंगल्स को हम अपने यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट रिक्टेंगल है, यहाँ पे हमने इसको उठाया और यहाँ पे रखा, एक रिक्टेंगल यहाँ पे बनाए और यहाँ पे फिर गए एक रिक्टेंगल और यहाँ पे हमने ये रिक्टेंगल यहाँ पे बनाई। ये बनाने के बाद एक रिक्टेंगल और यहाँ से उठाई और यहाँ पे ये एक रिक्टेंगल और बनाई। ये बनाने के बाद अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, ये जो रिक्टेंगल हमने बनाई हुई है इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लाइन शेप का यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा ये आ जाएगा डबल एरो एल्बो, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, अगर इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डबल एल्बो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है ये इन रेक्टेंगल से अटैच हो जाएगा। ये देखो, ये हमने इसको कनेक्ट इससे किया, इसको कनेक्ट इससे किया। तो इस प्रकार हम ये एल्बो की सहायता से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारा बेसिक शेप है, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना है हमें, तो ये यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे। ये देखो, ये हमारा बेसिक शेप में ये टेक्स्ट बॉक्स है। कुछ भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ये उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब इस बॉक्स में कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, बायस कैंटेक ये लिखा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला, यहाँ पे बेसिक शेप में और चाहिए, जैसे ये चाहिए, यहाँ पे ये शेप उठाई और यहाँ से यहाँ पे रख दी, तो ये शेप इस यहाँ पे आ जाएगी। अगर इस शेप को हमने, ये देखो येलो डॉट है, इसको अगर ऊपर ले गए तो ये शेप ले लेगी। इसके बाद इसको नीचे किया, जैसे ये देखो ये नीचे किया, ये स्माइलिंग फेस में आ जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारी बेसिक शेप है। इसके बाद है ब्लॉक एरो, ये ब्लॉक एरो शेप्स है, यहाँ से हम ब्लॉक एरो शेप्स कोई भी शेप यहाँ से लेंगे। जैसे ये शेप हमने ली, यहाँ पे बना दी। अब बनाने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास येलो डॉट आ गई यहाँ पे, ये बताते हैं कि हम इस शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो येलो डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शेप चेंज हो रही है। देखो, ये शेप चेंज हो जाएगी। जैसे भी हमने रखना है वैसे इसको, माउस को छोड़ देना है, वैसे बन जाएगी ये येलो डॉट। अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो ये देखो शेप चेंज हो रही है, जहाँ पे हम माउस को छोड़ेंगे वैसी आ जाएगी ये। तो ये देखो इस शेप में आ गई ये येलो डॉट। आगे पीछे करेंगे, ये देखो इसकी शेप चेंज हो रही है, यहाँ पे छोड़ा तो ये शेप ले लेगी। इसके बाद ये येलो डॉट है हमारे पास, यहाँ पे इसको आगे पीछे किया तो ये देखो इसकी शेप चेंज हो रही है, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ा तो ये ऐसे बन जाएगी। तो इस प्रकार येलो डॉट के जरिए हम इस शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है हमारे इक्वेशन शेप। इक्वेशन शेप में ये हमारी अलग अलग शेपें हैं, तो इसमें से कोई भी एक शेप लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली प्लस साइन, ये हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे
इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसकी शेप बना दी। ये शेप बनाने के बाद यहाँ पर भी हमारे पास येलो डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये शेप चेंज हो रही है। अगर इसको पीछे ले गए ड्रैग करके माउस का, तो इस शेप में बन जाएगा। ये इसको फिर ले आए ये वापस, तो इस शेप में बन जाएगा। तो जिस भी शेप में इसको रखना चाहते हैं, उसी शेप में ये बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे रखा, तो इस शेप में ये बन जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन शेप है। इसके बाद अगला जो है हमारे पास, ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट की शेप है। अगर कंप्यूटर में हम फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सभी शेप यहाँ पे पड़ी हुई है। तो जैसे यहाँ पे हम ये डिसीजन, ये फ्लो चार्ट का डिसीजन शेप है, यहाँ से इसको लिया और यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएगी। यहाँ ये जो हमारे पास एरो हैं, इनको आगे पीछे करेंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगी। ये देखो चेंज हो रही है। चेंज होने के बाद अगर इसको रोटेट करना है, तो ये जो होता है वो रोटेट करने के लिए होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसको रोटेट किया, ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे छोड़ा, ऐसे बन जाएगा। फिर इसको रोटेट किया, ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे छोड़ा, ये शेप ले लेगी। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारी शेप है, जिस हिसाब से हमने इसको रखना है, उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से एरो बना के इसको पीछे ले गए, या ये इसको पीछे खींचा, ये इस शेप में आ जाएगा। तो जो भी हमें ये शेप जिस स्टाइल में चाहिए, हम उस स्टाइल में इस शेप को बना सकते हैं। अगला हमारे पास ये जो है स्टार्स एंड बैनर्स, ये जो हमारे पास है स्टार एंड बैनर्स की हैं शेपें। अगर हम यहाँ पे स्टार बनाना चाहते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पे ये स्टार, यहाँ पे ये बन के आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे ये लिखा, तो लिखने के बाद इसको छोड़ा, तो ये यहाँ पे स्टार में कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा अगली शेप है। इसके बाद अगली जो है, यहाँ पे कलर्स को समझने के लिए हम सेकंड स्लाइड के ऊपर जाएंगे। ये हमारी सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये कलर्स, जैसे ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये हमने यहाँ पे कलर्स के जरिए बताना है। जैसे यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाने के बाद ये कलर्स इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे, कोई भी जैसे चाहिए। जैसे ये हमने यहाँ पे लिया, लेने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे बनाया। बनाने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे हेलो यहाँ पे लिखा। हेलो लिखने के बाद यहाँ पे बताना है कि ये हेलो यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो येलो डॉट है, इसको हम ये खींचेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। ये भी यहाँ भी हमने ये क्रिएट करना है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद अगर ये लेना है स्टाइल, तो ये स्टाइल में आ जाएगा। ये आने के बाद यहाँ भी हमने कुछ लिखा, जैसे हेलो यहाँ भी लिखा। और इसको, ये येलो डॉट है, इसको भी उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये बता रहा है कि ये हेलो कर रहा है, यहाँ से भी हेलो ये बोल रहा है। तो इस प्रकार हम ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी शेप्स हैं, ये जो शेप्स हैं ये कलर्स की हैं। तो ये इस प्रकार हम शो कर सकते हैं। इससे आगे जो है वो है हमारा एक्शन बटन्स। तो एक्शंस बटन्स को समझने के लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी फोर्थ ब्लैंक स्लाइड है। ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद शेप्स के ऊपर जाएंगे
और इसके बाद ये नीचे सबसे नीचे एक्शन बटन्स ये दिए गए हैं। एक्शंस बटन में हाँ ये हमारा जैसे ये फर्स्ट वाला ये प्रीवियस बटन है, इससे आगे जो है हमारा नेक्स्ट बटन है, इससे आगे जो है हमारा बिगनिंग का है, इससे आगे जो है हमारा एंड का है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने सबसे पहली स्लाइड में पहुंचना है या सबसे लास्ट स्लाइड में पहुंचना है या अगली स्लाइड में जाना है जैसे थर्ड से फोर्थ स्लाइड में जाना है या पिछली स्लाइड में जाना है थर्ड से पिछली सेकंड स्लाइड में जाना है, तो हम इन बटन्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ये एक्शन बटन है इनको हम ब्लैंक, ये जो हमारी ब्लैंक स्लाइड है यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के ये जैसे हमारा ये फर्स्ट है, जैसे ये जो एक्शन बटन है फर्स्ट वाला यहाँ पे बनाएंगे, जैसे ये बटन लिया और ये लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया और यहाँ पे लिखा ये जो है यहाँ पे हाइपरलिंक टू प्रीवियस स्लाइड, इसी को रहने देंगे यहाँ पे। और ये इसके इसमें और भी ऑप्शन है लेकिन हम इसी ऑप्शन को यहाँ पे रखेंगे प्रीवियस स्लाइड, और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखेंगे जैसे लिखा है यहाँ पे प्रीवियस, ये लिखा। लिखने के बाद ये बटन एक बटन बना दिया, बनाने के बाद एक बटन और लेंगे यहाँ पे। तो दूसरा बटन लेने के लिए जैसे नेक्स्ट, ये प्रीवियस का हो गया, इसके बाद है आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए ये करेंगे, ये बटन उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे, ये नेक्स्ट का बटन है और नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड, और ये यहाँ पे चूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, ये लिखा। ये लिखने के बाद इसके बाद है स्टार्ट और एंड की, जो हमारी स्लाइड है स्टार्ट वाली आए या एंड वाली आए ये बटन से, ये हमें एक्शन बटन। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये बिगनिंग, ये हमारा बिगनिंग का एक्शन बटन है, यहाँ पे हम ये बनाएंगे जैसे यहाँ पे फर्स्ट, जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लाइड में जाना है जैसे, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा फर्स्ट और फर्स्ट लिखा। इसके बाद आगे जो है हम एक और बटन बनाएंगे यहाँ पे, और ये है फर्स्ट और ये है एंड एक्शन बटन। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको बना दिया और यहाँ पे ये फर्स्ट है और लास्ट स्लाइड में जाना है तो यहाँ पे लास्ट स्लाइड ये लिखा हुआ है, इसको ओके किया और यहाँ पे लिखा लास्ट, यहाँ पे लास्ट आ गया। तो ये हमारे फोर बटन यहाँ पे एक्शन बटन हमने बना लिए। ये जो प्रीवियस है, प्रीवियस जैसे ये जो हमने एक्शन बटन, ये हमारे फोर एक्शन बटन है, ये हमारी स्लाइड, ये देखो ये फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ स्लाइड में हमने एक्शन बटन ये बनाए हैं। अगर ये एक्शन बटन हमने पीछे जाना है, इस स्लाइड में जाना है, थर्ड स्लाइड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इसमें जाना है तो हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो प्रीवियस बटन क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे हमारी स्टेटस बार में ये स्लाइड शो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो बटन है स्लाइड शो में आ जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक किया, प्रीवियस पे क्लिक करते हैं हमारी जो पीछे वाली स्लाइड है उसमें हम चले जाएंगे। ये देखो जैसे टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, ये पिछली जो स्लाइड है हमारी उसमें आ जाएंगे। ये देखो टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, ये एक्शन बटन से पीछे स्लाइड जो है ये स्लाइड है। अगर ये हमारे एक्शन बटन है फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये अगली ये हमारी फिफ्थ स्लाइड है, यहाँ पे जाने जाते हैं हम फिफ्थ स्लाइड में। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे
स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो पे जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में अब चले जाएंगे। जैसे ये देखो, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये हमारी अगली स्लाइड ओपन हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये जो एक्शन बटन से अगली स्लाइड जो है ये हमारी ये स्लाइड है, तो ये आ जाएगी। फिर हमने पहली स्लाइड में जाना है, जैसे ये हमारी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, यहाँ पे जाना है, ये हमारी पहली स्लाइड है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्शन बटन, ये हमारी स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन बटन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब है कि पहली स्लाइड में जाना है। तो इसको पहली स्लाइड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे पहली स्लाइड जो हमने बनाई थी उस स्लाइड में यहाँ पे आ जाएंगी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। तो ये इस प्रकार हम पहली स्लाइड में पहुँच जाएंगे। ये देखो, ये जो है हमारी फर्स्ट स्लाइड है। अगर हम ये हमारी लास्ट स्लाइड है सिक्स्थ, यहाँ पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइड में जाने के लिए हम ये एक्शन बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक्शन बटन आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, ये लास्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे, ये स्लाइड शो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लास्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी लास्ट स्लाइड है ये आ जाएगी। तो इस प्रकार इन एक्शन बटन का यूज़ करके हम किसी भी स्लाइड में जा सकते हैं, चाहे आगे वाली स्लाइड में जाना है, या पीछे वाली स्लाइड में जाना है, या पहली स्लाइड में जाना है, या लास्ट स्लाइड में जाना है। तो इस वीडियो में हमने होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में शेप्स के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।